बेटमा में बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया। बेटमा के देपालपुर रोड स्थित 96 भवन परिसर में सामाजिक समरसता द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता व भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। सामाजिक समरसता के जिला संयोजक हरिराम सोलंकी ने कहा कि बिरसा मुंडा एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और क्रांतिकारी विचारों से आदिवासी समाज के उत्थान व उनके सशक्तिकरण के लिए भागीरथी प्रयास किए। इस अवसर पर समाज जन के साथ ही नगर के कई गणमान्य नागरिक व पत्रकार उपस्थित रहे। आभार दलवीर सिंह छाबड़ा ने माना। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जनजाति गौरव दिवस आगे भी हम मनाएंगे और मनाते रहेंगे। ये भाई साहब, आज जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती थी और भगवान बिरसा मुंडा वो एक शख्सियत थी जिन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और अन्य हमारे जो क्रांतिकारी हुए उसी के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं के इसमें लेकर के और टंटिया मामा और शिवाजी महाराज इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इन्हें भारत भूमि को आदिवासियों के द्वारा जो अच्छे कार्य हो रहे थे उसके बीच में कुछ ईसाई मशीनियों द्वारा इस भारत भूमि को खदेड़ना चाहते थे, कुछ इस यहाँ पर कुछ उपद्रव पैदा करना चाहते थे, यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, ऐसे लोगों के विरुद्ध में उन्होंने कार्य किया। और 145 साल पहले यानी कि आज के दिन 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था और 9 जून 1900 को उनका देहांत हुआ, यानी कि 25 वर्ष की उम्र में उनने वो कर दिया जो एक आदिवासी समाज, हमारे हिंदू समाज और आदिवासी जनजाति के लोगों के लिए भगवान के स्वरूप में और हमारे सबके लिए भगवान के स्वरूप में उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। और अच्छा कार्य क्या किया, उनने जो ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदू संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे थे, जो हमारी वन जंगल भूमि गौ माता और वृक्ष का जो नष्ट कर रहे थे, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में समझाया। और कुछ आतताई लोग हमारे बीच में भी, गोरे अंग्रेज और काले हिंदुस्तानी लोगों के बीच में भी जो हो रहा था उसके बीच में भी उन्होंने लड़ाई लड़ करके हमारी हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को और आदिवासी समाज को उन्हें बचाने का कार्य किया। आपका नाम होता है हरिराम सोलंकी, मैं सामाजिक समरसता जिला संयोजक हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।